व्यसनों की बात करते हैं हम जीवन में, तो आज के वर्तमान युग में युवा पीढ़ी पूरी व्यसनों की ओर खींची जा रही है, चाहे गुटखा, पान, मसाला, भांग, शराब, अलग अलग व्यसन करते हैं और गांव में भी हुक्का पीते हैं। मैंने जब गांव में रहा हूं मैं, तो हुक्का पीते हुए आप बुजुर्गों को देखते हैं, चाचा, ताऊ, फूफा, भाभी, बीड़ी भी पीते हैं, हुक्का भी पीते हैं, आज भी प्रचलित है। वास्तव में ये जितने भी घर में हम पद्धतियाँ अपनाते हैं, ये सब नशा है, ये सब नशे के अंडर में आते हैं। इसके द्वारा जो दमा, फेफड़े संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं व्यक्ति को, फिर कैंसर तक पहुंचते हैं। लेकिन जो वैदिक परंपरा का जो मूल था, एक चिकित्सा के रूप में ये, इसको कहते क्या है, नशा, नस्य कहा जाता है इसको। इसकी परंपरा जो है एक दवा के रूप में, एक चिकित्सा के रूप में, साइनस रोगी, फेफड़े संबंधी रोगी, कफ संबंधी रोगी, नाक बहना, नजला, जुखाम, उन सभी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें जो है क्या, इसमें भांग नहीं मिलाई जाती है, इसमें ना वो गांव में जो पत्तेदार तंबाकू के पत्ते होते वो भी नहीं मिला जाते। ये क्या है मिश्रण, जिससे ये धूम्र लिया जाता है, इसमें मुलेठी एक मिलाया जाता है और मुलेठी के साथ हल्दी दो और घी तीन, और किसी को अभी भाई ने बताया कि साइनस और ज्यादा दिक्कत है तो एक चूर्ण और त्रिकुटा चूर्ण। इस किस बीमारी में? साइनस और थायराइड की अगर अलग से बीमारी है तो उसमें ये त्रिकुटा चूर्ण भी इसमें मिला सकते हैं। तो देखते हैं दिव्य धारा किसके लिए, ये यदि सांस लेने में, सांस लेने की दिक्कत है तो पतंजलि दिव्य धारा भी इसमें मिलाया जाता है। देखा जाता है ना कि जो श्रेणियों में चढ़ते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो उस स्थिति में इसमें दो चार बूंदें ये दिव्य धारा पतंजलि का भी मिलाया जाता है। तो ये मिश्रण है, मुलेठी है और इसमें हल्दी है, इसमें गाय का घी डाला गया है और इसमें त्रिकुट चूर्ण भी डाल देते हैं। भीम सैनी कपूर इसमें ऊपर से जलाया जाता है, ये अगेठी के कोयले नहीं जलाए जाते, भीम सैनी कपूर जो पतंजलि का जो सात्विक एक कपूर है वो भी इसमें मिलाया जाता है शुद्ध। हाँ, ये भीमसैनी कपूर के बारे में बोले कि सिरदर्द के लिए, सिरदर्द में कैसे यूज करते हैं, बस इसके ऊपर थोड़ा सा ना जी, सिरदर्द भी जिसको है, सर दर्द होता है, अर्ध कपाली है, माइग्रेन है, वहाँ पे भी ये मदद करेगा। तो लेते हैं इसका मजा, इसको ऐसे इस तरह से वाह, बहुत करंट जैसा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं आप जी। वाह, अरे तीन जो त्योहार आता है ना शिव जी के नाम पर कितना भांग पी देते हैं लोग। कौन सा त्योहार अभी गया, कौन, शिवरात्रि है, शिवरात्रि के त्योहार में और साथ ही साथ ये बम बम भोले के नाम से भांग पी जाते हैं। श्रावण मास में जो ये कांवड़ यात्रा निकलती है वो नशे के कारोबार से लोगों की ये पद्धति, जो ओरिजिनल, जो वास्तविक, जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है वो ये है। तो शिवजी इसका सेवन करते होंगे और शिवजी भांग नहीं पीते थे, समझ में आई ना बात, तो मैं भी पी के दिखा रहा हूँ। कितने देर तक बिना ये 10 बारी किया जाता है, मुंह से लिया, नाक से धूम्र को छोड़ा, फिर नाक से लेते मुंह से धूम्र को छोड़ते हैं 10 बार जी। नशी चिकित्सा बोलेंगे इसको जी, मुंह से लिया, नाक से छोड़ना है धूम्र को, तो साइनस में और थायराइड में जी, और सर दर्द में और गले गले के खराश और कफ में भी काम, कफ में भी काम करता है। कितना अच्छा, दमा में भी होगा फिर, बिल्कुल, दमे जैसे रोगी जो दमा का जिनका रोग है वो इसकी चिकित्सा ले सकते हैं। ये बुझ गया क्या? नहीं, चला ठीक है व्यवस्था। अब आपको जो है इसका दूसरा राउंड नाक से लेंगे, इस तरह से मुंह से छोड़ेंगे। मैं पहली बार ले रहा हूँ ऐसे, नाक से लगाऊं? हाँ, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। जबरदस्त है भाई साहब, जरूर यूज करना, पतंजलि आए तो इसका टेस्ट तो कर ही सकते हैं। ब्रह्मचर्य जी, एक विचार और आ रहा है मेरे दिमाग में जी। जो इसका रोज अभ्यास करेगा तो नशा भी छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, गुटखा, जो ये बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये भी नशा छूट जाएगा इससे, अगर ये थोड़ी धीरे धीरे आदत रोज कर सकते हैं क्या?
हाँ, इसको शाम के समय किया जा सकता है, वैसे ऐसे नहीं कि दो टाइम करें आप। हाँ। एक समय करो, शाम के समय तभी करो जब कोई समस्या हो, जैसे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा हो जी, जुकाम हो आपका, गला दर्द हो, तो उस मौसम में सही रहता है। इसके तीन सेट रखते हैं हम, जैसे मुंह से लिया, नाक से निकाला, फिर नाक से लिया, मुंह से निकाला, और अनुलोम विलोम इसके साथ, इससे करना है, इस तरह अनुलोम विलोम। अच्छा, अनुलोम में जी, यहाँ से लिया दोपहर को और उधर से निकाला। और ये आंखों में भी बड़ा लाभकारी, जैसे आंखों से पीछे वाली मांसपेशियां किसी की बंद हो रहती है ना, आंखों से इससे आंसू चलने शुरू हो जाते हैं, तो खुल जाती है अच्छे से। समझ में आया दोस्तों, जरूर प्रयोग करना, नस्य चिकित्सा इसको बोला गया है। कुछ नहीं है, मुलेठी और हल्दी और देसी घी, और ऊपर से कपूर डाल दिया। अब देखिए कैसे चमत्कार आएगा, चमत्कार महसूस हो। जिनको नशे की आदत है, बीड़ी सिगरेट पीने की भी लत है, वो भी लत से भी मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है, आँखों संबंधी, गले संबंधी, कफ संबंधी, साइनस संबंधी, नाक का बहना, नजला, ये सारी बीमारियों, दमा जिनको है उनको भी इसको पीना चाहिए। और थोड़ी मात्रा में ये सामग्रियाँ भी ले सकते हैं, जैसे मेधिष्टि सामग्री है। कुछ वहाँ पर चित्र दिखाए हैं, मैं चाहूँगा आप एक सेकंड के लिए उधर लगा दें इसको, वो भी सामग्रियाँ इसमें मिलाई जा सकती हैं व्याधियों के अनुसार, बिल्कुल कम मात्रा में, ताकि इसका अलग से धूम्र लिया जाता है इन सामग्रियों को। ठीक है, बस इतना ही दिखाओ। और इसमें सरसों भी तो पड़ता है, ये आज करते हैं, ये भी सरकार सरसों के लिए।